أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله। उम्मीद है आप सबका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए और एक बेहतरीन चांस है, गोल्डन चांस है। इट्स अ बेस्ट ट्रायल फॉर यू टू जज योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। व्हाट दैट मीन्स, आपके लिए ये रमज़ान का महीना पर्सनैलिटी चेकर है। इट्स अ पर्सनैलिटी पैरामीटर। वो किस तरह आप अपनी शख्सियत को खुद चेक कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है। जैसे फरमाया ना कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब जो 11 माह हम गुजारते हैं उसके अंदर कोई भी खता सरजद होती है, कोई गफलत होती है, कोई मामला होता है, तो उसका इल्ज़ाम अक्सर औकात हम शैतान पे थोप देते हैं। ये हमसे शैतान ने करवाया, ये फ़लाँ बात शैतान ने ज़हन में डाल दी थी, ये फ़लाँ काम शैतान ने करवा दिया। दैट्स ईजी फॉर अस। 11 माह जिन बीमारियों में, रूहानी बीमारियों में हम मुबतला होते हैं, उनकी शिफा हमारे लिए मुश्किल होती है। बहुत कम लोग हैं जो शिफा याब होते हैं, क्योंकि बैरूनी दुश्मन हम पे हर वक्त बैक्टीरिया वायरस की तरह हमलावर होता है। लेकिन एक अंदरूनी दुश्मन भी है जो कि नफ्स है, जो 11 माह उसकी तरबियत में रहता है। अब जब वो शैतान रमज़ान के आगाज़ में छोड़ देता है, चूँकि वो कैद हो चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन बाकी रह जाता है और वो है हमारा अपना नफ्स। अब हमारे लिए ज़्यादा आसान है अपने आप को जज करना, पहचानना कि हम क्या हैं। और अब शिफा, आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ जो बंदा करता है उसे अक्सर औकात इलाज नहीं करना पड़ता, दवाई दारू नहीं लेना पड़ता। 11 माह दवाई लेते हैं असर नहीं होता। इस एक महीने में परहेज़ कर लें जिस तरह परहेज़ करने का हुक्म है, हक है, जैसा कि आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो तुम में से कोई शख्स झूठी बात, बुरी बात कहना ना छोड़े या उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह तबारक व ताला को इस बात की कोई उससे हाजत नहीं है कि वो सिर्फ भूखा प्यासा रहे। यानी रोज़ा तो रखे, उसके बावजूद वो बुरे काम ना छोड़े, नापसंदीदा काम ना छोड़े। रोज़ा सिर्फ अपने पेट को भूखा रखने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा निगाह का भी है, निगाह की हिफाजत, ज़ुबान का भी है, ज़ुबान की हिफाजत, हाथ का भी है, हाथ की हिफाजत। आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान मोमिन महफूज ना हो जाए। दिल का भी है रोज़ा, कानों का भी है, गीबत ना सुने, बुरी महफलों में ना बैठे। इसी तरह जब तक वो मुकम्मल अपने वजूद को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के ताबे नहीं कर लेता, परहेज़ नहीं करता बुरे कामों से, बुरे अमाल से, तब तक उसका रोज़ा पूरा नहीं होता। और अगर ये 29 और 30 डेज़ का ट्रायल वो कर ले, ट्रेनिंग कर ले, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसमें प्रैक्टिस कर ले, कोशिश करें अपने रमज़ान की एक रूटीन सेट करें, प्रॉपर प्लान करें कि हमने सहरी की है, उसके बाद फजर की नमाज अदा की है, अब हमने अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी मसरूफियत अता की है कि हर रोज़ाना फजर की नमाज के बाद तफसीर का जो है वो तफसीर की क्लास होती है, हम उसमें कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिलाकार जारी रहेगा जब तक मुकम्मल कुरान पाक की तफसीर नहीं हो जाती, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस पे। फिर इसी तरह जिक्र फिक्र है, नवाफिल हैं, इबादात हैं, वो करें। तो अपना एक प्लान बनाएं, रूटीन बनाएं। ये दिन बहुत कीमती हैं, एक एक घड़ी बहुत कीमती है इस रमज़ान की।
तो जब आप अपना मुहासबा नफ्स करेंगे तो ये नफ्स चूँकि बुराई की तरफ अमादा करने वाला है, नफ्स अमारा मार्गी से नहीं रुकता। किसी का अमारा है, किसी का लवामा, किसी का मुलहिमा, किसी का मुतमाइना, नफ्स के भी दर्जे हैं, 7 दर्जे हैं नफ्स के। तो हमने इसे अमारगी से निकाल कर मुतमाइना तक लेके जाना है, जहाँ अल्लाह फरमाता है या तुहन नफ्सुल मुतमाइना, जो इत्मीनान में आ गया है, जिसके अंदर का शोर ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर से ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हैं, बुराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अगर हम इस एक महीने में उस तरह परहेज़ कर लेते हैं, अब जैसे एक शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर उसे कहता है कि आपने फलां फलां चीज़ से परहेज़ करना है, अक्सर मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है, लेकिन जब वो अपने सामने उन चीज़ों को पाता है तो कहता है कोई नहीं, थोड़ा सा खा लेता हूँ, ये थोड़े से क्या होगा। अब वो जो ये थोड़ा 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 करके कतरा कतरा दरिया बनता है। जब हम ये थोड़े थोड़े की बात करते हैं ना कि इतने से कुछ नहीं होता, वही चीज़ हमारे अंदर जहर पैदा करती है, वही फिर बड़ी हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।